क्या आपको पता है कि ये दुनिया सुबह सवेरे कितनी खूबसूरत लगती है? या फिर सुबह सवेरे हमारा हैदराबाद कितना खूबसूरत लगता है? हैदराबाद में टावर मार्केट का नाश्ता कितना डिलीशियस है। और अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता तो हम आपको बताएंगे। वैसे ये कहानी है उस रात की जब मैं रात को 4 बजे सोया हुआ था। दादा दादा कहाँ पे हो? मैं घर पे हूँ। क्या सीन है? रात को फोन करी। दादा बाहर आओ, बस मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया है? रात के 4:30 बजे हैं भाई। कुछ नहीं हुआ है, खैरियत है। मुझे चाय पीनी है और भूख बहुत ज्यादा लगी है, तो आजा बाहर, मैं आ रहा हूँ बस। भाई सुबह को चलेंगे ना थोड़े? सुबह यार छोड़, सुबह को अभी भूख लगी तो आ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ, चलनी चाहिए जल्दी। पागल तो? जल्दी आ जा, मैं आ रहा हूँ नीचे। अबे क्या है यार? तो अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करी और बोला है तेरे पास आ रहा हूँ। तो अभी रात के 4:45 बज रहे हैं और उस टाइम आ रहा है, उसको भूख लगी है यार। अब इस टाइम मैंने उसको बोला भी कि भाई रात सुबह होने वाली है, थोड़ा मतलब उसको हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। कौन सुनता है? वैसे इसी गिलास में मैंने रात को दूध पिया था और अभी पानी पिया था, और दूध और पानी दोनों की शक्ति मिक्स हो गई, जो अच्छी बात है। तो भाई वो शख्सियत जो है मेरे पास आ चुकी हैं, और ये हैं वो शख्सियत जो रात को आगे गिर गया जो रात को आगे लोगों को आगे उठाती हैं। ये वो बलाएं जो रात को उठाती है लोगों को आगे। और मच्छर यार कितने हो रहे हैं पाकिस्तान में? बड़े मच्छर हैं। चल निकलते हैं, चल निकलते हैं ना, फिर निकलने का सीन बनाने। चलो फुल सीन ऑन है। ओके तो भाई ये हमारे नए व्लॉगर्स का हाल है, अपकमिंग व्लॉगर, इसका पहला व्लॉग आ रहा है आज। और ये पता नहीं कैसी आवाजें निकल रही है, परेशान हो गया है बंदा। सेल कहाँ है मेरे भाई? इसका सेल नहीं मिल रहा है। तो पीके का रिमोटवा गुम हो गया था, इसका सेलवा गुम हो गया है, इसका सेलवा नहीं मिल रहा। तो यार अभी हम इधर आए हुए हैं न्यू उस्मानिया होटल पे, और सेमी भाई लाए, बोले चाय पीते हैं यहाँ पे। ये पहले चाय करता है फिर नाश्ता पीता है, चाय पीता है फिर नाश्ता करता है। तो अभी पहले चाय पिएंगे फिर नाश्ता करते हैं। तो भाई फाइनली अभी हम टावर मार्केट में, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ हैदराबाद, और सुबह के टाइम पे तो उसके शशके ही अपने होते हैं। टावर मार्केट के अंदर अल नसीब स्वीट्स के पास आपको मिलेगा हैदराबाद का सबसे बेस्ट नाश्ता। और उसकी खास बात यह है कि वो 2:15 बजे शुरू होता है, और जुमेरात की रात तो वो 1:15 बजे से स्टार्ट होता है। तो आप अगर हैदराबाद में रहते हो और अगर आपको रात को कभी भी भूख लगती है, तो आपको कहीं कुछ मिले ना मिले, आप वहाँ चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और इस शॉप की दूसरी खास बात यह है कि वो तब से है जब से पाकिस्तान है, मतलब वो शॉप 1947 से चल रही है अब तक। तो फिर यार मैंने सोचा कि अगर हम इतनी सुबह को उठे हैं तो सिर्फ नाश्ता करके चाय पी के सो जाएं क्या फ़ायदा, अगर इतनी सुबह उठे हैं तो उस चीज़ को मतलब फ़ायदा लिया जाए, और सुबह सवेरे देखा जाए कि हैदराबाद कितना खूबसूरत है, और कुछ शॉट्स लिए जाएं, कुछ सिनेमेटिक कुछ कोई चीज़ें, और कुछ आपको दिखाया जाए।
फिर हमने सोचा कि यार अलमंजर जाते हैं, वहाँ पे रिवर हैं और एक पिकनिक टाइप जगह है और लोग दूर दूर से घूमने आते हैं वहाँ पे। मेरी फेवरेट जगह है आफ्टर टावर मार्केट, लेकिन सिर्फ सुबह के टाइम पे। लेजेंड चाचा गैंग मिल गई, हमने उनके साथ बैठ के कचहरी वचहरी मारी, उनकी चाय वगैरह निकाली। सर साहिब पीरदनुमला, पीरदनुमला साहब डिस्ट्रिक्ट मेंबर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर गुलाम सलेमला अब्दुल गनी अली शेर, अली शेर भाई मोहम्मद सर छोरो साई वापडा कॉलोनी, वापडा कॉलोनी अल्लाह हमारा होटल हमारा है। अच्छा हमारी होटल है तो अपने होटल की चाय तो पिलाओ भाई। नहीं नहीं हाँ बोला था बिल्कुल, मैंने आपको पहले कहा था चाय पियो, नहीं तो बोला हम बैठते हैं, अभी पियेंगे ना बैठने के बाद। भाई दो चाय तो लेके आची बच्चा है बाबा साहब आयो। So, भाई that was all about 4 AM to 10 PM और फिर उसके बाद हम जाके घर सो गए, और जब उठेंगे तो फिर दूसरा व्लॉग बनाएंगे, फिर वो देखना आप। अभी बाय।